भारत की जनवादी नौजवान सभा के सदस्यों ने आज 7 जुलाई को शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला। पिछले सप्ताह उजियारपुर में 2 सगी बहनों के साथ पड़ोस के मंचलों के द्वारा गैंग रेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। समस्तीपुर स्टेशन चौक से डी न्यूज़ के लिए कैसर खान की रिपोर्ट। अभी दिनांक 26 तारीख के उजियारपुर प्रखंड के अंदर में बिरनामा गांव है, जिसमें एक सरस्वती देवी महिला है, उसके सूते हुए अवस्था में गांव के ही 2 मंचला ने उसको उठा के ले गया और हाथ पर बांध करके उसके साथ भर रात गैंग रेप किया गया। और दिन में जब ग्रामीण उग्र हुआ, प्रशासन नहीं सुना, रोड जाम हुआ, तब FIR हुआ। उसी के गिरफ्तारी के सवाल पर DYFI के जिला कमेटी के तरफ से पुतला दहन किया गया है नीतीश कुमार के। अभी लंबी गिरफ्तारी नहीं किया गया तो आने वाला दिन में जिला स्तर का आंदोलन होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भोला राय हुआ, DYFI के जिला अध्यक्ष। बताइए क्या मामला है जिसके लिए आपने अभी पुतला दहन किया है? बिरनामा पंचायत के उजियारपुर प्रखंड में आता है सरस्वती देवी, जिसके साथ 26 जून की रात्रि को गैंग रेप की घटना हुई और इतने लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसलिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम लोग जो है आज प्रतिरोध मार्च निकाले हैं DYFI की तरफ से, और बिहार के मुखिया का हम लोग ने पुतला दहन किया है। और यह मांग करते हैं कि अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी हो। यहाँ जिला प्रशासन से भी हमारा मांग है कि वो जो निष्क्रियता में है उसको सक्रियता में आवे और अभियुक्तों का जो खुले तौर पे घूम रहा है उसके ऊपर लगाम लगावे, उसको जेल के अंदर बंद करे। इसमें सुना है कि किसी नेते के भी रिश्तेदार की उसमें हाथ रिश्तेदार भी है उसके, जिन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया है। हाँ है, वहाँ का लोकल नेता है, उसका भतीजा है। नाम बोलो। बैजू राय का भतीजा।